तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पूजा जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है लूप। इफ कंडीशन हमें लास्ट क्लास में पढ़ा, अब बात कर रहे हैं लूप की। तो सबसे पहले हम लूप की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि लूप की जरूरत क्यों है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा, मैं यहाँ भी एक छोटा सा एक ए बना रहा हूँ, स्टिकर बना रहा हूँ, मान लीजिए छोटा सा स्टिकर हमने यहाँ पे बनाया। तो आपको पता चलेगा कि हम लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओके, अब ये स्टिकर है, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो मैं एक वीवी प्रोग्राम बनाना चाहता हूं ताकि हम जो है जितना मर्जी उतना इसको कॉपी पेस्ट कर सके, बार बार कॉपी पेस्ट मैनुअली ना करना पड़े, ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाए। तो एक ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूँ जो मुझसे पूछे कि कितना बार कॉपी करना है। मैंने वहाँ पर नंबर डाला है, मुझे 5 बार कॉपी करना है, वो 5 टाइम कॉपी करके एक के नीचे पेस्ट करें। और मैंने इसको कॉपी किया, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे इसमें विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं आरा या फिर लूप अंडरस्कोर वन बाय के ओपन एंड क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा रेंज A1 से C6 डॉट कॉपी। अब मुझे जो पेस्ट करना है एक एक रो छोड़ के नीचे एक के नीचे पेस्ट करना है। तो यहां हम करेंगे रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 2.0 दो रो छोड़ना है इसलिए टेस्ट स्पेशल। राइट सर, राइट मैम, समझ में आया पूजा जी? हाँ जी। अब तो एक लेकिन इस माइक्रो को जो मैं रन करूंगा तो सिर्फ एक बार कॉपी करेगा। मान लीजिए मुझे इसको 5 टाइम कॉपी करना है तो इसको मुझे 5 बार पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन 5 बार क्या दोनों को पेस्ट करना पड़ेगा? अब यहाँ पे लूप में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस लाइन को रिपीट करना है। और हमने 5 बार किया तो 5 बार कॉपी करेगा, 5 बार पेस्ट करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम कॉपी एक बार करने के बाद 5 बार पेस्ट कर सकते हैं। अगर 5 बार पेस्ट करना है तो 5 बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझे? तो हमें जो रिपीट करना है इस लाइन को करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 15 बार करना होगा, 20 बार करना होगा, 50 बार करना होगा, तो फिर एक कोड जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। हम कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपना डेटा ही कॉपी पेस्ट कर लें। क्या तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिलीट करें। अब लगाएंगे लूप। लूप में हमें 5 बार करना है, 1 से 5 बार करना है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग है। यहां लगाएंगे फोर i इक्वल टू चले 1, 2, 5 और नेक्स्ट i। तो 4 और नेक्स्ट के बीच में जो भी होगा उसको उतना बार रिपीट कर देगा जो नंबर हमने दिया होगा। अब इसको एक बार रन करके देखिए, आपको यहां पे दिख जाएगा। हो गया? तो अब बात करते हैं लूप के ऊपर कि लूप आखिर परफॉर्म कैसे कर रहा है। एक बार हम लूप को समझते हैं
कि हमारा लूप जो है परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो जब इसको रन करते हैं, एक बार एफर्ट करके रन करेंगे तो पता चलेगा मुझे। एफर्ट किया हमने, कॉपी किया और उसके बाद हमने यहाँ फोर पे गए, फोर ने चेक किया कितना करना। आई जो इसमें दिख रहा है आपको, आई यहाँ पे कुछ भी लिखे, जे वाई के कुछ भी लिख सकते, नाम भी लिख सकते। आई एक वेरिएबल है, इसका काम ये है काउंट करना कि आखिर कितना बार लूप चल चुका है, इसको काउंट करता है और जितना बार जितना पोजीशन पर रहता है वो नंबर आई पे स्टोर कर देता है। फिर यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट होगी। अब नेक्स्ट ने चेक किया कि आई हमारा वन है लेकिन पांच तक जाना है तो अगेन जाएगा, इस बार आई देखिए टू हो गया, फिर तीन हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, इस तरह से कंटिन्यू होगा। जैसे ही सिक्स हुआ इसने बाहर कर दिया क्योंकि फाइव सिक्स से बड़ा है, तो लूप इस तरह से चलता है। अब लूप के एक बार इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि लूप होता क्या है। देखिए लूप के लूप जो है दो तरह के होते हैं, पहला होता है फोर, दूसरा होता है डू। फोर के दो पार्ट हैं, स्टार्टिंग एंडिंग, मतलब कि आई लिखते हैं ना फोर आई या फोर आई इक्वल टू वन टू ट्वेंटी, एक तो ये हो गया जो स्टार्ट और एंड करता है। दूसरा होता है फोर एज। उसके बाद डू के भी दो लूप है, डू वाइल एंड डू अनटिल। अब कब यूज होता है कुछ समझ लें, जब आपके पास 20 बार रन करना है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, ऐसे एक 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 काउंट है आपके पास कि मुझे कितना से कितना तक अपने कोड को रन करना है, तो उस केस में फोर आई का इस्तेमाल करते हैं। फोर इच का इस्तेमाल होता है एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे एक सिलेक्टेड एरिया है, मुझे सिलेक्टेड एरिया में लूप को रन करना है, या फिर मेरे जितने नंबर ऑफ शीट से उतना बार लूप रन करना है, फोल्डर में जितने फाइल से उतने रन करना है, या फिर एरे में जितने डेटा है उतना रन करना है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है, एक काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया जाता है कि जितना ऑब्जेक्ट का काउंट है उतना बार मेरा लूप रन करे, उसके लिए हम यूज करते हैं फोर इच का। अब डू को समझते हैं, डू वाइल एंड डू अनटिल। देखिए डू वाइल डू अनटिल एक अपने को अपोजिट सेम वर्क करता है बट अपोजिट कंडीशन को फॉलो करता है। आपके पास कुछ ऐसा फिक्स ना हो कि आपको लूप को कितना बार रन करना है, ऐसा कोई काउंट ना हो बट एक कंडीशन हो, जैसे कि कॉलन ए में जब तक डेटा मिलता रहे तब तक लूप चलता रहे, जब तक यूजर सही पासवर्ड ना डाले तब तक लूप चलता रहे, जब तक हमारा आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया, जब तक आपका इंटरनेट पेज रेडी ना हो जाए तब तक मेरा लूप चलता रहे। जिसमें एक मान लीजिए आपने एक्सेल के जरिए एक वेबसाइट को खोला, वेबसाइट के अंदर का फॉर्म है उसको फिल करना है, तो फॉर्म को वेबसाइट ओपन करने का कोड डाल दिया, फॉर्म फिल करने का कोड भी डाला, तो फॉर्म फिल करने का कोड कब चले, जब वेबसाइट रेडी हो जाए। जब तक वेबसाइट लोड नहीं हो जाएगा तब तक अगर आपने वीवी का वो कोड को रन करवा दिया तो फिर एरर हो जाएगा, वो तो फॉर्म तो मिलेगा ही नहीं ना। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को वेट करवाते हैं कि जब तक फॉर्म रेडी ना हो तब तक वेट करो। तो आपका फॉर्म कितना देर में रेडी होगा, इसकी कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं है ना, एक सेकेंड में हो सकता है, दो सेकेंड में हो सकता है, पांचों सेकेंड लग सकता है ना, क्योंकि डिपेंड करता है वो वेबसाइट पे, सर्वर पे और आपकी इंटरनेट स्पीड पे। तो वहां पे हम लोग डू वाइल का लूप करते हैं, हम डू वाइल का बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन को तब तक वेट करो जब तक मेरा इंटरनेट का पेज या फॉर्म पेज रेडी ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि एक कंडीशंस पे अगर आपको रन करवाना है तो उसके लिए डू वाइल एंड डू अनटिल का इस्तेमाल किया जाता है।
ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हम देखते हैं। फोर आई के एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि लूप अंडरस्कोर दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि मेरे पास एक्सेल सीट में एक डेटा है रैंड बिटवीन, मतलब मुझे यहां पे नंबर लिखने मान लीजिए सिंपल सा नंबर, यहां पे 1 2 3 4 5 6 और नीचे आगे करना है 7, मतलब कि मुझे 100 तक का नंबर लिखना है। अब रो वाइज लिखना होता तो हम इन पर सिंपल क्या करते, 4 लगाते, 4 आई इक्वल टू चलता 1 to 100 नेक्स्ट आई, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे रेंज ए के साथ आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। तो इसको रन करेंगे तो आप देखिए आना, अब आई आपको पता ही है कि आई के ऊपर नंबर स्टोर होता है, नंबर आ गया, लेकिन मुझे इसको 5 कॉलम में करना है कि 5 कॉलम तक चले, फिर दूसरे रो में 6 से 7 इस तरह से रन, तब क्या करेंगे, तब उस केस में हमें यहां पे फोर लूप यूज करना पड़ेगा। तो मुझे अगर 100 देना है 5, मतलब कि 20 रो चलेगा, तो यहां पे हम 20 रो और कॉलम के लिए 5 है तो 4j=1 to हमने 5 कर दिया और नेक्स्ट जे। अब यहां होगा सेल्स, सेल्स में आई रो हो गया जे कॉलन हो गया डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब यहां आर एक डिफाइन कर देता हूं मैं कि डिम आर एज ए इंटीजर, और यहां हम लूप रन करने से पहले आर इक्वल टू आर प्लस वन करें। अब देखिए ओके ओके, तो ये आपका रो एंड कॉलम वाइज लूप चला, लूप एक लूप के अंदर हमने दूसरा लूप का प्रयोग किया। ओके, लूप के अंदर जब लूप दोबारा रिपीट हो रहा है जी, तो वो रो और कॉलम्स को लेगा। हम आई और जे में कुछ भी दे सकते हैं उसमें कोई नहीं, हाँ आई और जे में कुछ भी दे सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें वर्टिकली जो है वो चलना है 20 टाइम्स और हॉरिजॉन्टली में चलना है 5 टाइम्स चलना है, तो हर एक रो में हमें 5 बार कॉलम चलाना है, इसलिए 5 वाला कॉलम इसके अंदर आ गया। जैसे याद होगा मैंने आपको जो वर्कबुक में बताया था कि 12 बार हमारा फाइल चला था, 12 बार फाइल क्रिएट करने वाला लूप चला था, हर लूप के अंदर में हमारा 30 बार सीट को नेम करने वाला लूप चला था। करेक्ट करेक्ट, सेम उसी तरह से हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसके अंदर भी हम तीसरा लूप कर सकते हैं। ओके, जैसे तीसरा लूप के लिए मैं एक बार एक नया फाइल खोलता हूँ, ठीक है, अब क्या है कि इस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स हैं इस फाइल के अंदर अभी इस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स हैं उन शीट्स पे चले सेम कोड चले, लेकिन जब इस कोड को मैं रन करूंगा तो सिर्फ एक शीट पे ही चलेगा ना, तो इसमें इसको एक और लूप के अंदर हम डालेंगे यहां पे कि 4 s इक्वल टू चले 1 to 1 to शीट्स डॉट काउंट, और फिर इसको नीचे हो जाएगा नेक्स्ट s। अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी देखिए, मैंने इसको रन जब कर दूंगा एक मिनट, इसमें हमने हमें सीट को भी लेके चलना होगा ना, तो हमें यहाँ पे सीट्स
आई, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आई नहीं अरे एस हो, एस डॉट एक्टिवेट, ठीक है, सी डॉट एस एक्टिवेट। अब देखिए मैं इसको इफेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो हर शीट पे जा रहा है और ये अपना सी एल एम बढ़ा रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक से हंड्रेड किया, दूसरे शीट पे 101 से कर रहा है। तो कोड में हमने कहाँ मिस्टेक किया जैसा हो रहा है, क्योंकि तो मान लीजिए हमें हर शीट पे मान लीजिए मुझे 1 से 100 तक के नंबर चाहिए, तो क्या चेंज करें कोड में? कोड आपके सामने है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ढूंढिए और बताइए। इसमें हमने जो आर में आर प्लस वन किया है, तो वो हर बार वैल्यू प्लस वन वैल्यू कर रहा होगा। आर प्लस वन तो होना ही है ना, क्योंकि फिर वैल्यू आगे सीक्वेंस कैसे बढ़ेगी? हमें करना क्या होगा, क्योंकि आर प्लस वन हो रहा है आई तक हो रहा है ना। अब जैसे आई खत्म करके दूसरे शीट पे जाएगा, तो आर पे वैल्यू तो स्टोर ही है ना, 100। यहाँ देखिए, यहाँ जब यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद वो सीट चेंज करेगा, पर सीट चेंज करने के साथ उसने आर की वैल्यू तो 100 हुई, तो अगले बार जब कि वो उसने किया आर प्लस वन जब किया, तो 100+1 हो गया ना। तो हमें जैसे ही सीट चेंज हो, उससे पहले आर इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। समझे? आर इक्वल टू जीरो कर देने से क्या हुआ, कि आपका ब्लैंक हो गया फिर वापस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखिए। देखिए सब पे 1 से 100 है। करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से आप एक लूप के अंदर दूसरा लो, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लो, इसी तरह से आप डालेंगे। तो फोर लूप समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, इसमें हमेशा फर्स्ट वाले लूप को रो काउंट करेगा और सेकंड वाले को कॉलम काउंट करेगा, ऐसा ही है? देखिए नहीं नहीं समझे नहीं, आपको ये चेक करना होगा, ये प्रोसीजर देखना होगा। मुझे जितने भी नंबर ऑफ शीट्स है उतने बार लूप को चला, उतने बार मुझे सीरियल नंबर देना है, राइट? ओके। तो एक पहला लूप हो गया, क्योंकि आपको शीट को हर शीट को एक ही बार करना है, तो मेन आपका लूप कौन सा हो गया, शीट का लूप हो गया। दूसरा, सीट के अंदर में मुझे रो को 20 बार और कॉलम को 5 बार चलाना है। हर रो के अंदर कॉलम 5 बार चलेगा, हर सीट के अंदर रो 20 बार चलेगा। तो दूसरा यहाँ पे लूप आ गया कि हर सीट के अंदर 20 बार चलाना है और हर रो के अंदर हमें कॉलम को 5 बार चलाना है। इस तरह से सीक्वेंस होता है। कोड कितना बार रन हो, कितना बार चलेगा, उसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ नहीं, हमने फर्स्ट दिया कि जो रो है वो 20 बार करेगा उसे, और हर रो में 5 कॉलम करेगा। जी, अब ये चीजें आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे समझ में आ जाएगा। कल की कल इस पे एक प्रोजेक्ट करूंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है? ओके ओके। जैसे याद होगा मैंने एक प्रोजेक्ट करके दिखाया था ना आपको, कॉपी पेस्ट डेटा को कॉपी करके एक शीट के अंदर अरेंज करना, याद है मैम? करेक्ट करेक्ट। उसमें इसका लूप यूज किया था। हाँ, मेरा वही था एग्जांपल, मैंने शीट क्रिएशन के लिए किया था।
हाँ बिल्कुल, बस मेरा क्वेश्चन वही था कि फर्स्ट टाइम वो रोज काउंट कर रहा है और फिर वो काउंट कॉलम्स काउंट कर रहा है, जो फर्स्ट आई टू 20 है वो 20 बार रोज और हर रो में 5 कॉलम इस तरह काउंट कर रहे हैं ना। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी सर, सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बिल्कुल। चलिए, तो पे लूप समझ, ये समझ में आ गया ना आपको सर? लूप हाँ जी ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी अब बात करते हैं फोर इच लूप के बारे में। फोर इच लूप, देखिए मान लीजिए ना कि मुझे ग्रेटर देन 50 को हाईलाइट करना, एक एक रेंज है हमारे पास, एक एरिया है, एक एरिया है, और मान लीजिए कि मुझे इसमें जो एरिया है उसके जितने भी ग्रेटर देन 50 है उसको हाईलाइट करना है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, अगर मैंने फोर लूप यूज किया तो क्या होगा कि जितना डेटा है उतना पे चलेगा। पर जैसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपका ये होता है कि जितना एरिया आप सिलेक्ट करते हो उतने पे अप्लाई होता है। तो कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन इस माइक्रो के तहत अगर मैं फुल फोर लूप लगाता हूँ हेलो, इस आपकी आवाज कटती है। एक मिनट कोई आ गया, मतलब इस फोर लूप के तहत चाहूंगा तो फिक्स हो जाएगा ना रोन कॉलन, मैं फिक्स रखना पड़ेगा रोन कॉलन कि भाई इतना बार फोर चले, मतलब कि रो इतना बार चले कॉलम इतना बार चले। तो करें यहीं पे हम फोर इज का इस्तेमाल करेंगे जब आपके एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे चलाना हो। तो हमने यहाँ पे लिया डिम आर एज ए रेंज और हमने लिखा कि फोर इच आर इन सिलेक्शन, नेक्स्ट आर। अब इसमें हमें आर जो है रेंज है, रेंज पे होने वाले सारे ऑब्जेक्ट इस पे होंगे। ठीक है, रेंज पे यूज होने वाले सारे ऑब्जेक्ट इस पे होंगे। तो यहां पे लिखिए आर डॉट, यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रेड ग्रीन, देन यहां पे नेक्स्ट इफ करेंगे। और मैंने ओके मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसको रन करता हूँ, इतना एरिया पे रन हुआ, करें जितना एरिया सेलेक्ट करूंगा जो सिलेक्टेड होगा उसी पे मेरा ये परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ सिलेक्टेड पे करेगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक रेंज है और रेंज दे दूँ, तो यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं कि रेंज A1 से लेके I100 का, समझे? तो एक फिक्स रेंज भी दे सकते हैं और सिलेक्शन भी दे सकते हैं। ओके समझ गए मैम? हाँ जी तो देखिए मैम, इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो बेटर होगा। बिल्कुल आगे की चीज़ें थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए बेटर होगा कि आप प्रैक्टिस करें।